ये भदोही का, लेकिन रोजगार नहीं है सर, रोजगार नहीं है दोस्तों। इस वजह से मुझे बड़ी दुख हो रही है, जैसे दिखा दूँ आपको, ये बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें ही नौकरी नहीं मिल पा रही है, जैसे कमल ट्रेडिंग, ठीक है, वो टोटल आपको यहाँ पे कारपेट ही मिलेगा। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आपको पता, मैं आपको नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर की वीडियो बना के देता हूं, बताता हूं कि नोएडा में नौकरी कहां पे है। तो फाइनली इस समय हम हैं कारपेट सिटी भदोही में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी कारपेट सिटी ही है ना। पूरा टोटल ऑफ टोटल जो वर्क होता है वो कालीन का ही वर्क होता है ना भाई। तो हमारे कुछ भाई जो काम करके आ रहे हैं कंपनी से, इन भैया से हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं ना कि आखिर यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या मिल जाता है। ठीक है सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार है, और सर मैं अमीना हैंडलूम में काम करता हूँ। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले सर जी मुसीलालपुर के भदोही के ही हैं सर जी। भदोही के प्रॉपर रहने? हाँ सर। तो काम कहाँ पर करते हो सर? सर जी यहीं कारपेट सिटी में। कारपेट सिटी में किस कंपनी में? सर जी अमीना हैंडलूम नाम है कंपनी का। अच्छा, क्या बनाती है सर कंपनी? सर जी गलीचे का, कालीन का, मतलब काम होता है कालीन का, तो वही हम लोग मतलब गलीचे में डिजाइन बनाते हैं। रेटे नहीं है सर जी, 350 रुपये देते हैं दिहाड़ी। हाँ। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? 8 घंटा सर जी। 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। अच्छा, तो दिहाड़ी 350 रुपये? हाँ सर जी। अगर दिहाड़ी मिस हो गया, नहीं आया, तो वो कटेगा पैसा? कटेगा सर। मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, नहीं। मतलब सैलरी पे आप लोग नहीं हो? नहीं सर जी, रोज़ का 350 रुपये देते हैं, 8 घंटा ड्यूटी हमको करना पड़ता है। 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा? हाँ सर। अच्छा, कितने महीने से कर रहे हो? सर जी कम से कम साल भर से ऊपर हो गया हम लोग। 1 साल से ऊपर हो गया, तो महीने में कितने उठ जाते हैं सैलरी की बात करें तो? सर जी अब 350 के हिसाब से जोड़ लीजिए, और अगर कहीं मान लीजिए आना जाना हुआ तो कट गया दिहाड़ी, वो भी बारिश में कभी बारिश हुआ, कहीं रिश्तेदारी चले गए, कहीं कोई बात हो गया, तो वो पैसा हमारे सैलरी से कट जाता है। सब मिला जुला के महीने का 8000 रुपये पड़ता है हम लोग को। 8000 रुपये पड़ता है? हाँ सर। और उसी में सर जी खाना गृहस्थी सब चीज़ आता है हम लोग का। अब अगर मतलब हो जाता है तो हो जाता, नहीं होता तो अपना किसी से ले देकर करते हैं। ये यार सही कह रहे भैया, बातचीत काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, खाने वाने की सुविधा है कुछ? कैंटीन वैन की सुविधा है? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी। बाकी सारे कंपनी में कैंटीन खाना वाना सब फ्री में? यहाँ सर जी मालिक यहाँ के चाय तक नहीं पूछते, खाना की बात ही मत करो। हाँ, तो साइकिल से ही आप लोग आते हो? साइकिल से। क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़े हो? सर जी हम 8 तक पढ़े हुए हैं सर जी। 8 तक पढ़े हुए? हाँ सर जी। चलो अच्छा भैया, बातचीत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक हमारे भाई ये भी हैं, क्या नाम है सर आपका? मारा नाम महेंद्र कुमार। आप कहाँ के रहने वाला महेंद्र? मुसीलालपुर भदोही। अच्छा, मुसीलालपुर के। अच्छा, तो आप कहाँ पर काम करते हो आप? हम अमीना हैंडलूम में काम कब से कर रहे हो आप? हमें को तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कितना सैलरी है आपका? 350। 350 रुपये पर डे का? दिहाड़ी पे हो? हाँ। कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? 8 घंटा। 8 घंटा ड्यूटी करना। कितनी एज है आपकी? एट एज पर हमारे 45 है। 45 है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो? क्वालिफिकेशन क्या? 8 तक। 8 तक? 8 तक आप भी पढ़े हो। अच्छा, तो इससे पहले कहीं और काम कर रहे थे? नहीं। हाँ, काम कर रहे थे चंपो में। अच्छा, चंपो उधर जो और रजपुरा में है ना? हाँ, वो तो ठीक था, लेकिन वो क्या बनाती है? वो भी कारपेट का काम करते करवाती है, लेकिन वो भी बंद कर दिया, हमको निकाल दिया। क्यों? बोला काम कम हो गया, निकल जाओ, निकाल दिया। तो अभी आप कहाँ काम कर रहे हो? अब यहीं पे कर रहे हैं। इसमें क्या काम है सर आपका? यही कटाई काम करते हैं, गुंतरास। अच्छा, गुंतरास काटते हो आप? हाँ। वही हैंडलूम का क्या है? हाँ, हैंडलूम, तीन पत्ती हैंडलूम, ये सब है, टपटे सभी गुंतरास काटते हो। अच्छा, तो यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं क्या बनाती है टोटल कंपनियाँ? टोटल यही दरी बनती है, उसका मतलब गोला बनता है, तो ये कुल होता है, हम सब ये कुल करते काटते डिजाइन, उसका जितना डिजाइन सब बनाते हैं काटते हैं। तो अभी दिहाड़ी अगर किसी दिन छुट्टी मार देते हो तो वो पैसा आपका नहीं जोड़ा जाता? नहीं, पैसा नहीं जोड़ा जाता है, वो नहीं मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता पैसा। अच्छा, कितनी टोटल कंपनियां होगी सर यहाँ पे? यहाँ पर बहुत कंपनियां हैं, कितने बताएं सर जी? बहुत कंपनियां हैं, सब में कारपेट ही बनता है? हाँ, सब में कारपेट है। अच्छा, तो जैसे कि जो क्वालिफाइड हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा है, तो उनके लिए नौकरी होती है यहाँ पर? मिल जाती है? नहीं, नौकरी जल्दी मिलती नहीं यहाँ पर। यहाँ पे नहीं मिलती? नहीं, नौकरी नहीं मिलती किसी भी जल्दी। जैसे अगर पढ़े लिखे हैं, बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, या कंप्यूटर कर रखा है, 12 कर रखा है, बहुत रुपया में 4 आना मिलता है सबको। 4 आना? हाँ, मतलब 10% आपको? हाँ, और किसी को ऐसा नहीं। तो कैंटीन वैंटीन कुछ सुविधा है खाने वाने की? खाना पीना कुछ नहीं, अपना जाओ सब बाहर, पैसा खाओ पियो। टी ब्रेक वगैरह कुछ नहीं?
आप सब तो लंच टाइम कितने बजे होता है आपका? लंच आधा घंटा का देता है, आधे घंटे का। हाँ, उसको फिर ड्यूटी चालू, फिर ड्यूटी चालू। यार देखो जैसे भैया बातचीत करके अच्छा लग रहा है यार, देख रहा हूँ कितनी बेरोजगारी, लोग कितने रुपए में यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। ये देखो हमारे भाई हैं, और इन भैया से भी बातचीत करके अच्छा लग रहा है हमें, जैसे कि लोगों को पता चल रहा है कि आखिर भदोही के अंदर रोजगार किस तरीके से है, क्या सैलरी उनको मिलती है। जैसे वो हमारे भाई एक हंटर करके हैं, हंटर का टी शर्ट पहन रखा है, अभी आ रहे हैं हमारे साथ, इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे बड़े भाई से। ये कहाँ काम करते भैया? अच्छा, तो क्या नाम है सर आपका? शुभलाल। शुभलाल, शुभलाल। अच्छा कहाँ के रहने वाले शुभलाल? रामपुर भदोही जिला। अच्छा भदोही जिला का, तो कहाँ काम करते हो आप? काम तो ऐसे कहीं पा जाते हैं करते हैं, मेरा तबीयत भी खराब नहीं है, खराब था इसलिए काम नहीं कर रहा था। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 48 साल। 48 साल एज हो चुकी है आप? तो इससे पहले कहीं काम किया ही नहीं आपने? काम के पानीपत काम किया था। पानीपत में काम किया था, किस कंपनी में, क्या बनाती थी कंपनी? और बहुत सी कंपनी है, किस कंपनी का कितना नाम बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप जिस कंपनी में थे वो क्या बनाती थी? कारपेट बुनाई, एक कटिंग का, गुलतराश। अच्छा गुलतराश, वहाँ पे कारपेट का ही काम होता पानी का। मैंने कहा एक्सपोर्ट गारमेंट्स कंपनी में तो नहीं थे? अच्छा कितने महीने काम किए थे वहाँ पे? वहाँ काम किए थे 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार महीना कितना काम किया? वही 10-15 महीना पड़ता था। अच्छा 10-12 हज़ार महीने पड़ते थे, कितने साल थे वहाँ पे? 1.5-2 साल था। 1.5-2 साल थे आप? अच्छा जी, तो फिर वहाँ छोड़ के फिर यहाँ चले गए, तबीयत खराब हो गई? तबीयत खराब हो गई, लॉकडाउन इसलिए आ गए, नहीं जा पाए, मेरा तबीयत भी बरोबर नहीं है, तो क्या करें। तो अभी यहाँ पे क्या करने आप? ऐसे ही जा रहा हूँ काम के लिए, मिल गया नहीं जाएंगे घर। अच्छा वो तो दिहाड़ी वाला, मिल गया तो काम कर लेंगे, तो हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा। हाँ नहीं तो घर ही चलाएंगे, तबीयत ठीक नहीं इसलिए बरोबर काम नहीं करता हूँ। बरोबर काम करना, कितने लड़के हैं आपके? 3 लड़के हैं। लड़के हैं लड़की? लड़के हैं तीनों। तीनों लड़के हैं, चलो कुछ तो हेल्प करेंगे। और हमारे साथ जैसे ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? निशान अंसारी। अंसारी साहब कहाँ के रहने वाले हो? रोटाहा चौरी। रोटाहा चौरी के, तो आप कहाँ काम करते हो? अभी यही आए हैं काम के लिए, तलाश में। काम की तलाश में आए हैं? तो वही सोच रहे हैं, चल रहे हैं, देखेंगे मिल जाएगा तो ठीक है। तो कुछ प्लान करके आओगे किस कंपनी में जाना है? वही 2-3 कंपनी है। जैसे कंपनी का नाम नहीं जानते हैं, वैसे हम लोग टेम्परवारी में कहीं मिल जाता है कर लेते हैं। पर डे का क्या करते हैं? क्या मिलता है? अच्छा पर डे पे काम करने वाला ना? पर डे काम करे, पर डे का पैसा मिल जाए ना। अच्छा क्या हुनर है आपके अंदर, क्या करते हो? वही कारपेट का काम। कारपेट में क्या काटते हो आप? अच्छा बैंडिंग का। हाँ अच्छा, जो कटपीट रहता है वो बनाते हो क्या? हाँ वही है। तो प्रॉपर यही काम करते हो क्या, और भी कुछ? नहीं वही, हम लोग के वही गुण ही है। तो अभी ढूंढने चल रहे हो? हाँ अभी ढूंढने चल रहे हैं। चलो यार भैया से अच्छा लगा। अच्छा जब कंपनी में जाते हो क्या कहते हो तब? तो वही कारपेट, मतलब कहते हैं मतलब काम है करो, नहीं है तो जाओ घर, यही बोलते हैं। ये बात क्लियर बात करते हो भैया काम। अच्छा अच्छा, जो शाम जब काम करते हो तो पर डे कितना मिल जाता है आपको? 200-250 के ऊपर नहीं पड़ रहा है। 200-250 बस यही है। कितने बच्चे हैं सर आपके? 4 बच्चे हैं, 1 लड़की है। यार बहुत तकलीफ होता है यार, इतने बेरोजगारी है, क्या होगा यार। अरे आप देखेंगे, खुद ही सोचेंगे कैसे चल रहा है, कैसे चला रहे हैं। कोई उसमें धोखी वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। पूछिए 200-250 के ऊपर कोई करके दिखा दे तो हम जाने। हम बिल्कुल अंसारी साहब सही बात कह रहे हो आप, वो तो लग रहा है हमें लोगों की बातों से लग रहा है, क्योंकि लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ हम लोग भाई कंपनी में भी आप कहीं भी पता कर लीजिए, 200-250। हाँ नहीं हम लोग तो भाई जो मिलता है भाई, वर्कर नहीं, भाई हम लोग को जो मिल रहा है भाई वही बोलेंगे ना। तो अले भैया हमारे साथ एक भैया और भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? जावेद अंसारी। अभी अंसारी साहब कहाँ के रहने वाले? अंसारी साहब रोटाहा। अभी रोटाहा के हो, तो आप भी ढूंढने आए हो क्या? हाँ नहीं साथ आए हैं, इन्हीं के साथ नौकरी ढूंढने आया। तो पक्का है नौकरी मिल जाएगी आपको? अब चल रहे हैं देखेंगे, अब चल रहे हैं देखें। नहीं कुछ आइडिया होगा ना कि हाँ इस कंपनी में है, इस कंपनी में हमें 1-2 दिन काम करेंगे ना, फिर घर चले जाएंगे। फिर घर चले जाएंगे, फिर अगले दिन ट्राई करेंगे। तो कितनी कंपनियां हैं सर यहाँ पे टोटल? कंपनी बहुत है यहाँ पे, बहुत कंपनी। सब कारपेट ही बनाती है? सब कारपेट है, सब एक्सपोर्ट करती है ना बाहर। अगर मान लीजिए आपको नौकरी मिल जाती है, मतलब 1-2 दिन का काम रहता है ना, तो 1 दिन का कितना मिलता है? वही 250-250 रुपया पड़ता है वही। इतनी बेरोजगारी भाई क्या ही बताएं यार। भैया से बातचीत करके काफ़ी हमें दुख हो रहा है, एक तरीके से आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है इन भाई से बातचीत करके। अभी ये भैया नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, और वो लोग आप लोग ड्यूटी करके आ रहे हो ना? अच्छा अभी आप भी जा ही रहे हो? हाँ सही कह रहे हो। जैसे कि ये भाई है हमारे, तो यार जो लोग कह रहे हैं ना भदोही की इंडस्ट्रियल एरिया दिखाओ, तो भैया से देखिए बातचीत हमने कर लिया, और अभी इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखाने आपको लेके चल रहे हैं।